बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बहुत पता है वही मैं कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था कि बहुत ना ऐसे छोटी सी छोटी छोटी पॉलिटिक्स चलती है जो आई डोंट थिंक नॉर्मली लोगों को दिखती है, बट वो हमारे लिए बहुत फन होती है, तो मेरे को तो बहुत मजा आया। TN2 तो इस बार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी नए प्लेयर्स आए जो ऑलरेडी कम्पीट करते थे दूसरे ई स्पोर्ट्स गेम्स में। लास्ट टाइम एंटरटेनमेंट्स ज़्यादा थे, इस बार आपको नेक टू नेक कॉम्पिटिशन और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देखने मिलेगा। हम ये लोग तो मुझे बोलते हैं कि लास्ट सीज़न यू नो बहुत ज़्यादा गेमिंग पे फोकस हो गया था, लेकिन इस साल में मुझे और हर्ष को इस शो में लाए इसलिए गए कि हम थोड़ा एंटरटेनमेंट लाए। ऐसा नहीं है कि स्काउट कैरी और ये लोग एंटरटेनमेंट नहीं लाते, हम लोग बस कुछ ज़्यादा ही, हम लोग क्या गेमिंग में इतना ध्यान नहीं देते, तो हम एक न्यू ऐसा यू नो साइड लेके आते। बट अभी स्काउट मेरे को बोल रहा है कि इसमें भी गेमिंग के ज़्यादा बहुत नेक टू नेक ऐसा खतरनाक कंटेस्टेंट्स आ गए, मतलब यही दोनों बैलेंस यही है एक्चुअली। पिछली बार क्या था कि टीम्स जो थी बहुत अनबैलेंस ही थी, कुछ टीम्स बहुत ही स्ट्रांग थी, कुछ नहीं थी इतनी स्ट्रांग। इस बार जेन्युइनली पांचों टीम्स बहुत स्ट्रांग है एंड सबका इक्वल चांस है, क्योंकि सब में अच्छे गेमर्स भी है, एंटरटेनर्स भी हैं, ज़्यादा गेमर्स हैं। मैं बता रहा हूँ जो जनता जो नहीं जानती है शो के बारे में, आपको एक आइडिया देता हूँ मैं। ये ना आज के जनरेशन का एक रियलिटी शो है जो आज के बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे रियलिटी शोज होते हैं दूसरे, बिग बॉस हो गया या ओडीस हो गया, वो हमारे 90s के बच्चों ने, हम लोगों ने देखा है। लेकिन जो ये प्लेग्राउंड एंड प्लेग्राउंड की खासियत क्या है, ये जो यंग बच्चों को अपील कर रहा है ना कि अच्छा आप गेम खेल के अंदर यू नो ऐसा कॉम्पिटिशन में आ सकते हो, एंड उसमें भी आपको इतना माल मसाला मिलता है कि जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा, मैं कहता हूँ 3-4 साल बाद आप ये इंटरव्यू याद रखना, प्लेग्राउंड इतना मेनस्ट्रीम हो जाएगा कि मतलब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ते ही जाएगी। मेरा तो पहला ऑप्शन था और मतलब जो सोच के चला था मैं कि ये होगा, ऐसे होगा, फन आएगा। फन आया ज़रूर, बट जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है ना बाकी मेंटर्स में, तो वो थी, वो दिख रही थी। तो मैं भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था एंड बाकी मेंटर्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। चिढ़ गया था ये बीच में। हाँ, मैं चिढ़ गया था, मैं तो मारने वारने वाला था। तो मज़ा आया, मतलब फन कॉम्पिटेटिव जोन में था, तो इट वॉज वेरी फन। जब आप अंदर होते हो ना उसके, तो आपका बहुत ऐसे चिड़न मेरे को भी हो रही थी बीच बीच में, मेरे से तो बहुत, हाँ सबसे ज़्यादा ऐसे ही थी तो बीच में हो जाती है, बट जैसे फिर खत्म होता ना, फिर हम सब नॉर्मल होते, धीरे धीरे आउट ऑफ जोन जाते हैं। वो है ही ना कॉम्पिटेटिव करने के लिए ही है वो चीज़। एग्जैक्टली, और सब दिमाग लगा रहे थे अपना। सर जी, सीजन 1 मैंने ट्रायआउट्स देखे थे, स्काउट, मॉर्टल, निश्चय और कैरी के, बहुत मज़ा आया। कैरी मेरे को कैरी से बहुत डर लगता है प्लेग्राउंड के ट्रायआउट्स देखने के बाद, क्योंकि कैरी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट है। एंड कल जो हुआ, कल तो ऑक्शन में हम लोगों ने, आप सब मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा एक बार प्लीज़ आप कल का ऑक्शन देखो, इरिस्पेक्टिव आप मुझे नहीं जानते या किसी और को नहीं जानते, एज अ फ्रेश परस्पेक्टिव देखो, आपको इतना मज़ा आएगा। जो वहाँ पे चीज़ें चल रही थी हमारे बीच में, जो मस्ती मजाक चल रहा था, ये हम लोग दूर से हंस रहे हैं, एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स, बोली लग रही है, एक टाइम पे तो सब्जी मंडी बन गया था भाई, 10 लाख 11 लाख 12 लाख। ऐसा हम लोग प्रिपेयर्ड कुछ और तरीके से गए थे, ट्विस्ट उधर ऐसा हो गया कि सबकी स्ट्रेटजी फेल हो गई, पॉलिटिक्स हुई है कल, छोटी छोटी पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक होती है, हमें पता भी नहीं हो चुकी पॉलिटिक्स और पूरा स्ट्रेटजी बदल जाता था। सीजन 1 मैंने बाद में फॉलो किया था, जब मुझे पता लगा कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैंने मतलब पहले मैंने थोड़ा बहुत किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा देखा कि क्या होता है ऑक्शन में, क्या होता है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायआउट्स में कर रहे हैं तो कैसे क्या कर रहे हैं, तो मैंने बाद में थोड़ा बहुत फॉलो किया था, तो समझा कि क्या कर रहे हैं, किसकी क्या गलतियाँ रही है, किसने क्या अच्छा किया, तो वो सब कुछ देखा, और वो देखना ज़रूरी है तभी आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाओगे उनको देख के। सबसे टफ मैंने बोला ना, वैसे इस बार ऑलमोस्ट सारी टीम्स काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे स्काउट लास्ट सीजन भी, इस सीजन भी, उसका सेट होता है, उसको पता है कि कौन कितना अच्छा गेमर है, कौन कितना सही टीम में खेलने वाला है, तो उसको पता है मेरे को यही पिक करना है, वो एंड तक खेलेगा ही नहीं, मतलब चुपचाप बैठा रहेगा और एंड में आके अपनी टीम बना लेगा। तो उसने एंड में टीम बनाई और प्रॉबेबली सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बना ली। ऐसे ही आशीष भाई की टीम भी मुझे पर्सनली लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगता है मेरी टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे कैरी की टीम भी लगता है अच्छी है काफ़ी, थोड़ी सी हर्ष भाई की टीम, वन साइडेड नाम है ना, पावर फीनिक्स, हाँ तो वो उनका थोड़ा लास्ट सीजन वाला है कुछ, आई थिंक वो इस सीजन भी कंटिन्यू होगा। नहीं, हर्ष क्या, हर्ष क्या उंगली करता रहता है ना, तो टीम पावरफुल हो तो भी हमें वीक लग रही है, मतलब हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, बट बस हम कहने के लिए कह रहे हैं ऑलमोस्ट सारी टीम्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि जो टीम मैंने बनाई है मुझे तो सही लगा था। नहीं, मेरे को तो लगता है आई थिंक मेरी टीम काफी स्ट्रांग है और मैं डेफिनेटली मानता हूँ, मतलब
सॉरी बट हाँ फिर से सही थी। हर्ष से तो काफी स्ट्रॉन्ग है सी गेमिंग वाली, मतलब मैं हर्ष की टीम को बॉटम थ्री में देखता हूँ आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, देखियो अच्छी बात है, सपने में देखियो पर। बट मेरे हिसाब से ना सबको अपनी टीम लग रही होगी बढ़िया कि मेरी टीम बढ़िया मेरी टीम बढ़िया है, बट जो वहाँ पे जाके जब खेलते हैं ना तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कौन बेस्ट है क्या नहीं है। एक हफ्ता वेट करते हैं, देखते हैं सबकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं किसकी बेस्ट है किसकी बेस्ट। भाई मेरे पास ऑलरेडी वो प्लेयर्स हैं जो पिछले सीजन में खेल चुके हैं, उन पर एक्सपीरियंस है। तो ऐसे तो आदित भी है ना मेरे पास, तो मतलब मेरे पास एक है, मेरे पास दो हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं। लेट्स सी की बात मैं करूं, कैरी आपसे जानना चाहूंगा आपके प्रो प्लेयर्स में कितना विश्वास है आपको। पूरा पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि पिछली बार मेरा जो प्रो प्लेयर था उसने लिटरली वो फर्स्ट आया था, तो मेरे को तो उस पर कोई डाउट नहीं है कि इस बार भी वो फर्स्ट आएगा। हाँ तो पिछली बार जैसे ही कह रहा फर्स्ट आया था, मैं कहूँगा जो पिछली बार टीम आई थी फर्स्ट स्काउट की वो आदित्य की वजह से आई थी, तो इस बार आदित्य मेरे पास है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो मेरा बंदा अकेला कैरी कर रहा था ना टीम को, करेंगे अभी देखेंगे, अभी वो अभी बातें बोलने से कुछ होगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट बातें बोलने। ठीक है चल ठीक है, वही कह रहा हूँ देख लेंगे। या मेन तो है कि इस बार जो कंसिस्टेंट रहेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी की टीम में कोई वीक है तो भाई वो डोमिनेट हो जाएगा दूसरी टीम से, तो इस बार ऐसा है कि जो भी टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाली है वही टीम जीतने वाली है। और स्पेशली मेंटर्स तो अभी हम लोगों किसी को भी आइडिया नहीं है कि कौन अपनी टीम को किस तरीके से गाइड करेगा। बहुत बार होता है कि टीम खराब खेल रही होती है, मेंटर के गाइडेंस वो कम बैक कर देती है, तो ये चीज़ आपको पहले वीक के बाद ही आप बोल सकते हो, क्योंकि पहला वीक होता है एकदम फ्रेश, उस बार जज नहीं कर सकते कौन कैसा खेल रहा है। द बिगेस्ट चेंज आई वुड से, जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये होगा कि पिछली बार आई वुड से पूरा सीजन गेमिंग की तरफ ज़्यादा डोमिनेंट था, इस बार दोनों की तरफ ही है, गेमिंग और एंटरटेनमेंट। क्योंकि पिछली बार हमने थोड़ी सी आई थिंक ये हमसे गलती हो गई कि हमने एंटरटेनमेंट साइड को थोड़ा ज़्यादा फेवर दे दिया था हमारी तरफ से टीम वाइज, बट वो गेमिंग की तरफ ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे, तो इस बार दोनों को ही इक्वल मिलेगा। सर ये अभी राइज ही होता रहेगा, एंड मेरे हिसाब से जो इंडिया का सबसे बड़ा नेक्स्ट सुपरस्टार, जो बिलियनियर या मिलियनियर कहते हैं ना, अमीर एक न्यू जेन कंटेंट क्रिएटर, वो एक गेमर होएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम लोग काफ़ी साल से इग्नोर करते आए, हमारे माँ बाप उसको बहुत हल्के में लेते हैं, एंड मैं कोई दूसरे प्रोफेशन को डिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट काफ़ी सालों से इसको बस एक ऐसा वीडियो गेम्स खेलना दिमाग सड़ जाता है का टैग मिलता है, जबकि ये भी एक स्पोर्ट्स है, इसमें भी स्ट्रैटर्जी होती है, इसमें भी लास्ट मोमेंट आपको यू नो दिमाग लड़ाना रहता है। तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है एंड ऑलरेडी कर रही है। Exactly. Yes. इंडिया के जो टॉप, आप कैरी के बाद जो टॉप यूट्यूबर्स देखेंगे, आप देखेंगे अभी सब पहले लिस्ट में भुवन था, मैं होता था, यू नो कॉमेडियंस होते थे, अभी वो पूरी लिस्ट बदल चुकी है। अभी ये तो देखो, ये रोस्ट भी करता है, ये गेम भी खेलता है, तो इसने अच्छा अपना क्या है, पांच उंगलियां घी में इसकी। नहीं नहीं फॉर्मेट हमारा वही है, बट जो मेन चेंज है वो ये है कि जो प्लेयर्स हैं इस बार ऐसे लोग नहीं आ रहे जिनको कीबोर्ड और माउस ऑपरेट करना नहीं आता, सब बहुत फ्रेंडली हैं और सबको दे आर वेल इक्विप्ड टू प्ले, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको खेलना नहीं आता होगा, तो बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव होगा इस बार। आई थिंक प्लेग्राउंड सबसे पहले तो उन पेरेंट्स को सेटिस्फाई करवाएगा कि यार नहीं बच्चे गेमिंग से कुछ कर सकते हैं, जो उनके दिमाग में एक है ना कि यार बच्चों गेमिंग मतलब क्या होता है, भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, गेमिंग में कुछ रखा ही नहीं है। एक टाइम के लिए अपने बच्चों को लोग स्पोर्ट्स खेलने में भेज देते, अब ऐसा हो गया कि गेमिंग को वैसा बनाया जाए कि नहीं यार टैबू है, उसको क्या ही करना, बच्चों गेमिंग खेलने क्यों भेजना है। ये शो के थ्रू उन लोग कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं भाई गेमिंग का भी फ्यूचर है, गेमिंग भी एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है, आप अगर अच्छे गेमर और आपका आपके अंदर अगर पैशन है तो आप उसको प्रोफेशन बना सकते हो। मेरे को बदलाव इस तरफ से आते हैं क्योंकि जब एंटरटेनमेंट फैक्टर जुड़ता है ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज़ वेरी कमर्शियल, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए गेमिंग से ज़्यादा कमर्शियल एंटरटेनमेंट है, बट जब वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना तो उससे गेमिंग को भी एक नई ऑडियंस मिलती है, और मैं तो मतलब गेमिंग का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, जितने लोग नए लोगों तक गेमिंग पहुँच सकती है और जितना क्रेज बढ़ सकता है मैं तो ऑलवेज अप फॉर इट। शक्ल शायद थोड़ी कैरी जैसी लगती है, बट मैं कैरी हूँ नहीं। कैरी ने बॉलीवुड डेब्यू करा है और हर्ष ने भी करा है। कैरी, हर्ष, प्राजक्ता सर, हमें सर आपने तो दुखती ना पे सर पैर रख दिया। वो तो मैं सारा क्रेडिट ना ये जितने भी नए गेमर्स आ रहे हैं ना, मतलब जैसे टू बी ऑनेस्ट ये इन सब बदलाव में ना आई गेस कहूँगा स्काउट का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने जब इतना अच्छा परफॉर्म किया ना ई स्पोर्ट्स वगैरह में, परफॉर्म किया, स्काउट हो गया, बीट मोटल, बीट बहुत सारे नाम थे,
तो सबने जो ये जो परफॉर्मेंस करा ना उनको देख के जब बच्चे ने बच्चे लोग सीखे कि भाई हाँ गेमिंग में करियर बना सकते हैं, तो आई गेस इन दोनों को तो मैं बहुत ग्रेट दूंगा कि इन्होंने बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर गेमिंग इतनी बड़ी बन गई है कि अब गेमिंग का एक रियलिटी शो आ रहा है, ये सब आ रहा है, एंटरटेनमेंट शो आ रहा है, तो आई गेस ये गेमर्स लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट कैरी भी गेमिंग करता है, तो उसको देख के और लोग सीखते हैं, तो लोगों को पता लगता है कि गेमिंग में भी करियर है, तो वो अपने घर वालों को बताते हैं देखो हाँ इसमें करियर बन सकता है। तो आई गेस बदलाव लोगों की वजह से बहुत है। मेरा एज सच मेरे को एक बार ट्राई करना था, मेरे को क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए था कि मूवी कैसे होती है, तो मेरा एज सच मैंने पिछली बार भी बताया था, मेरा एज सच इतना अभी फ़िलहाल के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं अपने पे थोड़ा ज़्यादा इंडिविजुअल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, अभी वो मेरा फोकस नहीं है, हो सकता है लेटर ऑन जाके मेरा थोड़ा फोकस चेंज हो जाए, बट अभी के लिए मैं अपने ही स्किल्स और अपनी ही जो चीज़ें हैं, मेरे स्केचेज़ हो गए, मेरी बाकी वीडियोज़ हो गई, कोई वेब सीरीज़ हो गई या फिर कोई गाना हो गया, मैं उन पर ही फोकस करना चाहता हूँ। या वी हर टीम में एक प्रो प्लेयर है, तो सारे प्रो से स्ट्रॉन्ग है। मेरे टीम में पर्सनली तो मेरा जो प्रो है मैं उसको ऑब्वियसली साइड लूँगा, तो वो यूफो। बाकी हर टीम का एक प्रो ऑटोमेटिकली बेस्ट प्लेयर रहता है, क्योंकि उनके टीम का प्रोफेशनल है जो पूरी टीम को होल्ड अप करने वाला है साथ में और खेलने वाले गेम्स। सर मेरा एक बंदा है ईलाई, हाँ वो एमी अवार्ड नॉमिनेटेड बंदा है, तो वो मेरे को लगता है मेरा बहुत ऐसा सरप्राइज रहेगा, तो उसका मेरे को है एक। अभी मैंने चालू नहीं किया देखना, मेरे को देखना है, बट थोड़ी कोई मेरी मदद कर देगा इम्पॉर्टेंट बिट्स बताने में तो मेरा भी थोड़ा टाइम बच जाएगा, पूरा नहीं देखना पड़ेगा मुझे, तो बनेगी आएगी, मेरी कोशिश है पूरी कि बिग बॉस के ऊपर एक वीडियो आए। बिल्कुल देखो कंटेंट तो वो पहली प्रायोरिटी है कि कंटेंट खुद क्रिएट करें, बट अभी कुछ थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा OTT की तरफ बढ़ें, खुद का कंटेंट OTT की तरफ बनाएं, YouTube भी चलता रहेगा, ये ऐसा नहीं है YouTube छोड़ देंगे कुछ, बट अभी आई गेस जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सब मोस्टली फोकस हो चुके हैं OTT की तरफ, भुवन भाई ने भी जैसे अभी ताज़ा खबर बनाया, तो आई गेस सबका एक नेक्स्ट फोकस वही है, तो हम भी ट्राई कर रहे हैं उसी तरफ बढ़ें अभी। नहीं बिल्कुल, आई थिंक OTT में बहुत स्कोप है और एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है तुम्हें और एक अलग नज़रिए से लोग तुम्हें देख पाते हैं, बिकॉज हम भी नहीं चाहते कि लोग हमें ऑब्वियसली एक ही चीज़ में देख रहे हैं बार बार, तो हम भी कुछ नया देना चाहते हैं, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम OTT पे जाके कोई सीरीज़ कर सकें या कुछ और कर सकें और अपने आप को एक खुद की बना सकें बेसिकली, क्योंकि हमारा हम क्रिएटर्स हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद की कोई सीरीज़ बनाएं। मेन यही है कि खुद की बनाएं ताकि लोग भी हमें नए फॉर्मेट और काम ना दे, तो हमें खुद को काम दे दें हम। एग्जैक्टली, लाइक मेरे पास लास्ट सीजन का रिटेन ही है वंशज, आई थिंक वो प्रोबेबली गेमिंग के साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रैटेजी वगैरह में भी काफ़ी सही है, एंड उसको घर के अंदर पॉलिटिक्स भी खेलनी आती है, तो आई थिंक वो हमारी टीम के लिए काफ़ी सही होगा। बट इस सीज़न जैसा स्काउट ने बोला कि सबने एक प्रो प्लेयर लिया, तो हमारा वो है अक्षु इस बार, तो आई थिंक अगर गेमिंग की प्योरली गेमिंग की बात करूँ तो आई गेस अक्षु होगा। मैं बताता हूँ मेरे को चाहिए, आई थिंक सांगवान बहुत तगड़ा कंपेटिटर आएगा इस बार, सांगवान, और बाकी फिर मैं अपने क्या कहते हैं, मेरे पास एक्चुअली मेरे जो प्लेयर्स हैं यार अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ उनके बीच में, बट आई वुड स्टिल से कि जो मैं टॉप 5 की बात करूँ तो मैं देखता हूँ सांगवान और जो मेरे प्लेयर्स हैं, तीन जो प्लेयर्स हैं जो कि है जयंत, जय खत्री और आयान, मैं चाहता हूँ कि वो वापस टॉप करे, मतलब मेरा ऐसे फेवरेट बायस नहीं, अगर तीनों में से कोई भी जाता है आई एम वेरी मच फाइन, मेरे को तो फर्स्ट आने से मतलब है, बट मेरे को मेरे तीन प्लेयर टॉप 3 में चाहिए। प्लेयर्स आई गेस टॉप 3 प्लेयर्स में सांगवान का नाम बिल्कुल सही है, सांगवान आएगा टॉप 3 में, आई थिंक आदित्य भी टॉप 3 के अंदर होगा एंड आदर्श भी टॉप 3 में हो सकता है। हर साल अपनी नानी का ट्विटर पर दादी का सच्ची में